14,000 जो ये कलर आया था, 2 साल हो गए होंगे ना, 2 साल हो गए। और मैं आपको करीब से जरा दिखा दूँ, ये देखिए कलर जो है उतर गया, हम यहाँ तक आके महदूद हो गया। थोड़ा लहरा लहरा के जुल्फे दिखाइए। हाँ सही है, आप सही हो जाइए। आप वैसे ही माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं। जला दिया है तो भुट्टा, तुम्हें कैसा लग रहा है भुट्टा सेकने में? आज आ गई हमारे जुल्फे
कौन है जुल्फे कराची की मॉडल, कौन कहता है कराची में रह के आपके बाल खराब होते हैं, अपने बालों का राज बताइए, पीछे घूमिए, सबसे पहले आप अपने बाल दिखाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन बालों में जो है आज से कितने साल पहले लगे थे 14,000 जो ये कलर आया था, 2 साल हो गए होंगे ना, 2 साल हो गए। और मैं आपको करीब से ज़रा दिखा दूँ, ये देखिए कलर जो है उतर के हम यहाँ तक आके महदूद हो गया, 14,000 का इन्होंने अपने बालों में जो है वो कलर करा। थोड़ा और पीछे से थोड़ा लहराइए, जुल्फे दिखाइए अपनी, थोड़ी थोड़ा लहरा लहरा के जुल्फे दिखाइए। हाँ सही है, आप सही हो जाइए, आप वैसे ही माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, आपका इतना ऊंचा लंबा कद है, आजकल आपका रंग भी गोरा चिट्टा हो रहा है। अच्छा आप अपना फेस पैक कब शेयर करेंगी व्यूवर्स के साथ? इस बार आप रिस्क नहीं लेंगी डायरेक्ट व्यूवर्स को बताने का, ये देखिए। अच्छा आप बताइए आप में से किस किस को सबिका का कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो खूबसूरत लग रहा है, सबिका प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रहा है, यानी चेंज लग रहा है, फेयर की तरफ लग रहा है। देखें काला रंग होना भी बुरी बात नहीं है, बल्कि खूबसूरत है, सोने रंग में जो खूबसूरती है गोरे रंग में नहीं है, पर वो निखरा निखरा हो, चेहरा साफ हो, जैसे इनका चेहरा अगली गंदा हो गया था, हो गया मेरा बाप बोलिए। कमेंट मैंने पढ़ा कि आप एलोवेरा लगाती हैं बाल, आपने कहा था कि आपकी लेंथ जो है वो खानदानी है और आप एलोवेरा लगाती हैं, तो लेंथ हमारी खानदानी ही है, एलोवेरा मैं लेंथ के लिए नहीं लगाती हूँ, अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये कहीं पर नहीं कहा है कि लंबे होते हैं बाल, शाइनिंग करते हैं, एलोवेरा एक मैजिक है मेरे लिए, क्योंकि एलोवेरा लगाती हूँ तो बाल बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, तो मैं एलोवेरा इसलिए लगाती हूँ। और दूसरा जो तुमने कोई ऑयल बनाया था है, वो जो तुम बनाती नहीं हो कैस्टर ऑयल और एलोवेरा हाँ, वाला वो ऑयल की वो बात कर रही है। हाँ लेकिन उससे लेंथ नहीं बढ़ती है, उससे बाल शाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये जो रुखे रुखे होते हैं ना वो नहीं होते हैं, शाइन मारते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि वो जो ऑयल तुम बनाती हो एलोवेरा, मैंने तो खैर बता दिया लेकिन तुम बताओ कि वो तुम वीकली लगाती हो या विंटर्स में करती हो, ये सब ज़रा क्लियर कर दो यहाँ पे। आपको लगाना है तो आप वीकली भी लगा लो, मैं तो विंटर्स में ही लगा रही होती हूँ, समर में नहीं यूज़ करती हो ना? समर में नहीं करती, बहुत गर्मी होती तो है। तो वो रीज़न क्या है क्यों लगाती हो? विंटर्स में आपके बाल होते हैं ना वो ऐसे झाबन उड़ने लगते हैं, ये शाइन उड़ जाता है, रुखे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ। कोई हार्मफुल नहीं है, खूबसूरत मतलब अच्छी चीज़ है, शाइन आता है, कोई हार्मफुल नहीं है, अगर आपको फायदा नहीं भी कर रहा है तो नुकसान नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रश है, तो मैं तो आपको पता ही मेरी एक्टिविटी में पबजी में बिजी रहती हूँ, तो ब्रश जो है हमारी मम्मा हम पे बालों पे बहुत मेहनत करती है, हमारी मम्मा जो है दो तरफ बाल हमारे कर देंगी, 50 बार इधर 50 बार इधर ब्रश करती है, इससे खून का दौरान तेज होता है और लेंथ बढ़ती है, तो ये हमारी मम्मा करती है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल है तो आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत बार वैसे तो 100 बाल दिन में टूट ही जाते हैं, ये तो एक मेडिकल बात है कि 100 बाल आपके दिन में टूटने, लेकिन फिर भी आप बहुत करो तो देख कर अपना करो। एक बार फिर अपने जुल्फे दिखाई ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही है, एक बार देख, इतनी भी नहीं है जी, गर्मी का बड़ा हंगामा है इस लड़की के पास है किचन में, इसको आज इसकी फिर खीर पकाई करेंगे किसी दिन, चलो हो गया, हाँ हो गया हो गया। चले जी आप लोगों ने जो है सबिका की बातें सुन ली, और आप में से जिन जिनको लग रहा होगा कि हम लोग जो है अपनी हेयर केयर के बारे में छुपा रहे हैं और क्लियर उसको नहीं बता रहे हैं, तो क्लियर बात हो चुकी होगी क्या है। और चले जी ये सबिका कमरे रूम में जाने के बाद कुछ हंगामा कर रही है, देखते हैं क्या हुआ इसको, चले आपको दिखाते हैं इसके भुट्टे में कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हुआ इसके भुट्टे के साथ। ठीक है सबिका, इनका मूड क्यों ऑफ है? भुट्टा अभी तो बालों में बड़ी खुशी खुशी बताई थी, ये कर लें वो कर लें, और अभी देखिए आप उनके गई इसकी वीडियो बनाने बालों के बारे में बताने, ये देख लें ये भुट्टा वो खा के चले, असल में इन लोगों को भुट्टा जो है दोनों भाई बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो फिर खा लो तुम एक बार, खा के दिखाओ कैसे खाती हो बंदरिया, नहीं बंदरिया नहीं मम्मा डांटेंगी, नहीं 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 खुल के खा के दिखाओ ना, ऐसा शर्मा के क्यों, ऐसे वीडियो बनवाने के लिए ऐसे खाती हो। पापा जो है समोसे लेकर आए, या तो चाय के इंतजार कर रहे थे और यहाँ समोसे मिल गए, चले जी समोसों को जो है निकालते हैं, ये देखें 5 गिन के लाते हैं आज तो मैं, मम्मा मम्मा आज आप पापा से पूछे 5 क्यों आते हैं, मेरे लिए कीमे वाले और रोल क्यों नहीं आते हैं, मैं जाती हूँ तो मैं तो सबके लिए लेकर आती हूँ सब कुछ। सही है पापा, बस ठीक है समझ गए हम लोग, 5 समोसे बस। गरम सा मम्मा ने खुशका बनाया है जीरे वाले चावल, जिसकी मैंने लास्ट 2-3 वीडियो पहले जो आपको रेसिपी दे दी है, कैसे मामा ने गरम मसाले का आलू गोश्त बनाया है और ये बहुत मज़ेदार बना था, इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल मसारा किचन पे जो है वो मौजूद है। और मारिया यानी कि मैंने यहाँ पे बनाया है सैलेड, तो चलिए फिर खाने को करते हैं इंजॉय। खाना वगैरह जो है हम लोगों ने जो है
दिखा लिया है और मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने अपना ये एरिया अपने लाइटिंग जो लगाई है आपकी तस्वीर नहीं की, यहीं पर खड़े हो जाते हैं और अपना जो है थोड़ा पोस्ट शोस मारते हैं, लुक शुक देते हैं और आप लोग का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए जी, अब बारी आ गई है कि सारे सवालों के जो जवाब दे दूँ, मतलब सवालों के नहीं, मतलब कमेंट के आंसर कर दूँ। एक्चुअली क्या होता है, आज मैंने मम्मा के फ़ोन पर जो है सारे मतलब मैसेजेस आप लोगों के ले लिए हैं, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं कंप्लीट आंसर नहीं कर पाती हूँ कितने मैसेजेस का, बाद में पढ़ रही होती हूँ तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के प्यार का पूरे प्यार के साथ जो है वो आंसर करूँ। तो चलें जी, हम यहाँ पे सबसे पहले जो है खोलते हैं। अच्छा जी, कुछ कमेंट जो है वो कल आए हुए थे, तो कल मैंने कहा वीडियो जो है एडिट हो जाती है रात 12 बजे के, 12 बजे के बाद के जो कमेंट होते हैं तो सम टाइम वो नहीं आ पाते, क्योंकि वीडियो जो है वो एडिट हो चुकी होती है। और गर्मी आपको मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा, स्लीपर्स पहन रही हो, गर्मी आपको मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा कराची में कितनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। तो चले फिर आंसर करते हैं। यहाँ पे मुझे कहना था मिर्सी लियो, चले जी मिर्सी लियो, आपने कहा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ ही जो है मुझे यहाँ पे कहना था कि ए एस डिसोलॉजी, माशाल्लाह अल्लाह आपके फ्रेंड को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, उनकी मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाक अल्लाह आप लोगों ने जो है दुआ दी। और अरमान हसन, थैंक यू सो मच, आप व्लॉग देखते हैं और आपके तो वाली भाषा सुन रही है, मुझे यकीन है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि वो तावीज़ और ये सिलसिले वो सब एक मजाक है, लेकिन मैं फिर भी एक क्लियर कर दूँ, ये एक से मेरा और मामा का जो है वो एक मजाक है। आपको पता है कि मामा के साथ जो है मेरा हंसी मजाक का रिश्ता लगा रहता है, क्योंकि मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप मुझे मतलब जिस तरह बचपन में आपने मुझे माँ बन के पाला है, और आपको पता है मेरी मम्मा के पेरेंट नहीं है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जब आप अकेला महसूस करें और आपको कभी ऐसा लगे कोई ऐसी बात है जो आप नानी से करना चाहती हैं ना, आप मुझे अपनी माँ समझ के कर लिया करें, क्योंकि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, मैं वो हूँ जिसने आपको माँ की पहचान दी, माँ कहती है ना तुमने मुझे पहचान दी है माँ बनने की, तो आप मुझे अपनी माँ समझ लें। तो उनके साथ जो है मेरा एक अलग ही, मेरी एक बॉन्डिंग, एक अलग ही रिश्ता है, तो ये एक मजाक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको पता होगा कि एक मजाक है। और साल एंड रोटी वापस, जी हाँ, जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग सा नूर आ जाता है, मेरा चेहरा जो है नूरानी हो जाता है। अभी भी अगर मैंने कभी जो है कज़ा के रोज़े रखे या फ़र्ज तो नहीं, वो नफिल रोज नवाफिल जो है रोज़े वगैरह रखे तो देखिएगा मेरे चेहरे पे कैसा नूर आ जाता है, रूप सुहाना हो जाता है, नूरानी चेहरा लगने लगता है, बिल्कुल मज़ा लेके देखे भाई, देखो देखो देखो, व्यूज़ दो मुझे मेरी वीडियो, देखो रमज़ान की, इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़रा थोड़ी मेहनत की थी, डाइनिंग टेबल शेप सजा सजा के जो होते हैं ना, तो उसमें एक हमें कॉन्टेंट मिल जाता है, तो हमने खूब इंजॉय किया था उस कॉन्टेंट को। और इसके साथ ही ओहो मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार, इतना ही कहना कि आप मुझे गिफ्ट भेजना चाहते हो, और इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए मैंने कहा ना और कोई नहीं हो सकता, आपने सोचा। और हम जो है हम प्यार के और तवज्जा के भूखे हैं, हमें प्यार और तवज्जा जो है आप वो डब्बे में भर भर के कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए, बस ये इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और इससे बढ़िया तोहफा, इससे कीमती तोहफा और कुछ हो नहीं सकता, बस आपका प्यार और तवज्जा चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है मुझे दे रहे हैं मिस्टर्स ऑफ स्पाइसेस। और दयान लव यू मेरी जान। चलिए जी, इसके साथ ही ब्लॉग को जो है बस करते हैं यहीं पर। फैजान खान, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट जो है मैं अक्सर लेट बोलती हूँ लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगी उसको, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, अगर नहीं किया अब तक हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो, जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो, वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना।